दी, माँ जिंदा है। आराध्या, मैं ऐसे किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, और खास तौर पर उस मासी पर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक कह रही हो दी आप, लेकिन हम करेंगे क्या? अब एक ही है जो हमें हमारे सच तक पहुंचा सकता है, वो है हमारे भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अब शिव जी ही बताएंगे हमारी माँ जिंदा है या नहीं। अगर हमारी माँ जिंदा होगी तो शिव जी हमें कोई ना कोई संकेत जरूर देंगे। माँ आप जिंदा हो? आराध्या देख तो जरा, हमारी माँ जिंदा है। आराध्या, ये आराध्या कहाँ चली गई? ये क्या है? मुझे लगता है आराध्या को ढूंढने से पहले मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। अब मुझे सबसे पहले मासी के पास जाना होगा। मासी, सच सच बता, आराध्या कहाँ है? आराध्या? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ मासी, आराध्या कहाँ है? अरे मैं सच में नहीं जानती आराध्या कहाँ है, मैं तो यहाँ पे कब से बंधी हुई हूँ, तो आराध्या तक मैं कैसे पहुंचूंगी? ये बात तो ठीक कह रही है, पर आराध्या कहाँ है? क्या सोच रही है शिविका, मुझे यहाँ से खोल दे अगर तुझे तेरी माँ से मिलना है तो। पर आराध्या, मैं तेरी मदद करूंगी उन दोनों को ढूंढने में। वो ठीक है मासी, पर इतना ज्यादा होशियारी दिखाई तो मैं दूसरा मौका नहीं दूंगी। मैं अब कोई होशियारी नहीं दिखाऊंगी शिविका, मुझे मेरे किए पे पछतावा है और मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ शिविका। मैं लेके चलती हूँ तुझे मीसका के पास। मासी, मासी, मासी रुक जाओ। इसका तू यहाँ? मासी, माँ, मेरी बेटी नागरानी बन ही गई। तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया।
पहले मेरी बहन, फिर उसकी बेटी। आज मैं तुम दोनों का किसा ही खत्म कर दूंगी। मैंने तेरी हर गलतियों पर पर्दा डाला है, लेकिन तू किसी लायक नहीं थी। मुझे तो तुझे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। तू क्या मुझे खत्म करेगी? आज मैं ही तुम दोनों को मिटा दूंगी और फिर मैं बनूंगी इस नागवंश की नागरानी। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे नागवंश की कभी थी ही नहीं, इसलिए इतना बेइज्जत होकर निकाली गई। शिविका, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें एक झटके में मार दूंगी? तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। तुझे मुझसे परेशानी थी ना, मैं हूं यहाँ। शिविका को छोड़ दे। ना 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 ना। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे सपनों को कुचल दिया, आज मैं तुम दोनों को कुचल दूंगी। और शुरुआत होगी शिविका से। आज तू देखेगी जब सपने टूटते हैं तो कैसा लगता है। आराध्या, आराध्या, आराध्या तू ठीक है? तू कहाँ थी? मैं तेरे लिए कितनी परेशान थी। दी, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आराध्या, अपनी माँ से नहीं मिलेगी? ये क्या बदतमीजी है, माफी मांग माँ से अभी की अभी। नहीं दी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, माफी मांग। पर दी, ये हमारी माँ है ही नहीं। जब आप शिव जी के मंदिर में थी, ती जब तक यहाँ है मैं माँ को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अगर माँ मिल गई तो ती कितना खुश होंगी। शायद तू जानता नहीं है इसलिए गलती कर बैठा। जानता है मैं कौन हूँ? इच्छाधारी नागिन हूँ मैं, नाग वंश की नाग रानी हूँ मैं, और तेरी मौत हूँ मैं। बस अब बहुत हुआ।